आज हम आपको इस वीडियो में भारत के सबसे महंगे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पूर्व के कई पीएम और कई बड़ी हस्तियां भी इन स्कूल में पढ़ चुकी हैं। बात कर रहे हैं दून स्कूल देहरादून की। जी हाँ, दून स्कूल देहरादून उत्तराखंड भारत का सबसे महंगा ऑल बॉयज प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल है, जिसे 1935 में स्थापित किया गया था। ये कलकत्ता के एक वकील सतीश रंजन दास द्वारा भारतीय महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं के मद्देनजर ब्रिटिश पब्लिक स्कूल की तर्ज पर खोला गया था। 10 सितंबर 1935 को पहली बार इस स्कूल में छात्रों का एडमिशन हुआ था और ऑफिशियली 27 अक्टूबर 1935 को लॉर्ड विलिंगन ने समारोह की अध्यक्षता की थी। स्कूल के पहले हेडमास्टर आर्थियो ई फूट थे, जो एक अंग्रेजी शिक्षाविद थे, जिन्होंने इंग्लैंड के इटन कॉलेज में विज्ञान के मास्टर के रूप में 9 साल बिताए थे। इस स्कूल में 12 से 18 साल के छात्र एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन एक कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बाद बेस्ट होता है। हर साल लड़कों को केवल 2 साल के ग्रुप में एडमिशन दिया जाता है, जनवरी में 7वीं कक्षा और अप्रैल में 8वीं कक्षा। स्कूल में लगभग 500 छात्र पढ़ते हैं। मई 2019 तक 26 भारतीय राज्यों के छात्रों के साथ साथ 35 विदेशी मूल के छात्र दून में पढ़ते हैं। स्कूल पूरी तरह से आवासीय है, जहां छात्रों के साथ साथ ज्यादातर टीचर स्कूल कैंपस में ही रहते हैं। 10वीं कक्षा में छात्र कैम्ब्रिज IGCSE परीक्षा देते हैं और अंतिम 2 वर्षों के लिए भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बीच चयन कर सकते हैं। ऐसे बहुत से राजनेता, आर्टिस्ट, लेखक और बिजनेसमैन हैं जिनकी स्कूलिंग देहरादून के इस दून स्कूल से हुई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी, कलाकार अनीश कपूर, लेखक विक्रम सेठ, रामचंद्र गुहा और अमिताभ घोष, फैशन डिजाइनर तरुण ताहिलान और कई ऐसे लोग इस स्कूल में पढ़ चुके हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।